हेलो मेरे दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू एज पेनियक, जहां आपको मिलती है हाई क्वालिटी बुक समरीज और नॉलेजेबल वीडियोस स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना किसी बकवास के साथ। जब भी आप किसी पर्सनल फाइनेंस या शेयर मार्केट की बुक्स की बात करते हो तो ज्यादातर राइटर्स यूएसए, यूके, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया के होते हैं, जो खास वहां के सिस्टम और मार्केट को बेस बनाकर आपको फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं। खास हम इंडियंस के लिए पर्सनल फाइनेंस के सब्जेक्ट पर ज्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन मोनिका हलान द्वारा लिखी गई ये बुक लेट्स टॉक मनी खास तौर पर इंडियन सिस्टम को बेस बनाकर हम इंडियंस के लिए है, जो आपको बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीकों से अपने पैसे को मैनेज करने की इफेक्टिव एडवाइस देती है। ये बुक पूरे के पूरे पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक को कवर करती है आपके रिटायरमेंट तक, और बहुत ही प्रैक्टिकल रिटायरमेंट प्लानिंग भी आपसे करवाती है। अगर पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट में आप अच्छे नहीं है तो ऑब्वियसली आप बैड फाइनेंशियल डिसीजंस लोगे और अपना पैसा फालतू चीजों में बर्बाद करोगे बिना अपनी इनकम और आउटगोइंग मनी को ट्रैक किए। सबसे पहले आपके इनकमिंग मनी के बारे में बात करते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के पास कोई ना कोई जॉब होती है या फिर कोई बिजनेस होता है, या कुछ लोग दोनों ही चीजें मैनेज करते हैं। देखा जाए तो पैसे कमाने के लिए हम अपने टाइम और नॉलेज को इन्वेस्ट करते हैं और इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। हम तो पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन हमें ये भी नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि पैसा हमारे लिए कैसे काम कर सकता है। इसी को बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस या मनी मैनेजमेंट, टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ योर हार्ड अर्न मनी। ये करने का सबसे बेस्ट और बेसिक तरीका है तीन बैंक अकाउंट्स का होना। पहला अकाउंट तो वो होगा जहां आपका सारा इनकमिंग मनी जाएगा, जैसे आपकी सैलरी, आपके बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट या फिर डिविडेंड्स, यानी कि सारी इनकम आपकी एक अकाउंट में आएगी हर महीने या फिर जब भी आपको प्रॉफिट या सैलरी मिलती है तब। इसे हम नाम देंगे इनकम अकाउंट। इस अकाउंट को हम बस इसी पर्पस के लिए यूज करेंगे। दूसरा अकाउंट आपका होगा स्पेंडिट अकाउंट। ये अकाउंट आपके डेली के खर्चों के लिए यूज होगा, जैसे बिजली का बिल भरना, रेंट पे करना, खाने पीने का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घूमने जाने का खर्चा, और जो भी आपके इनके अलावा खर्चे हैं वो सारे इस बैंक अकाउंट से होंगे। जैसे ही आपके अकाउंट नंबर 1 यानी कि इनकम अकाउंट में इनकम आई, आप अपने खर्चों और अपनी पर्सनल लाइफ के हिसाब से अपना कुछ पैसा अकाउंट नंबर 1 यानी कि इनकम अकाउंट से अकाउंट नंबर 2 यानी कि स्पेंडिट अकाउंट में डालेंगे और बस इसी अकाउंट को अपने खर्चों के लिए यूज करेंगे, जिससे कि आप अपने खर्चों को आसानी से ट्रैक कर पाएं। तीसरा अकाउंट आपने एक और खोलना है, जिसे आप नाम देंगे इन्वेस्टेड अकाउंट, यानी कि ये अकाउंट बस इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होगा, जैसे शेयर मार्केट में या किसी बॉन्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, या सिंपल सी FD कराना, या किसी और एसेट में इन्वेस्ट करना। ये सारे काम आपके इन्वेस्ट इट अकाउंट से ही होंगे। इस अकाउंट में पैसे आपको अकाउंट नंबर 1 यानी कि इनकम अकाउंट से ही डालने। ट्रस्ट मी, ये तीनों अकाउंट के होने से आपके इनकम और प्रॉफिट को ट्रैक करना और आपके खर्चों को ट्रैक करना और आपके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को ट्रैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टोटल इनकम अगर महीने की 1,00,000 रुपए है और इस इनकम में आपको हर एक सोर्स इंक्लूड करना है, जैसे आपकी सैलरी, आपके बिजनेस से होने वाला फायदा, या अगर कोई प्रॉपर्टी आपने रेंट पे लगा रखी है तो उससे मिलने वाला रेंट, ये सभी आपके इनकम अकाउंट में इंक्लूड होगा। इन 1,00,000 रुपए में से मान लीजिए आपने अपने खर्चों के हिसाब से 35,000 रुपए अपने अकाउंट नंबर 2 यानी कि स्पेंडिड अकाउंट में डाल दिए। ये 35,000 रुपयों से ही आपको अपने महीने का खर्चा चलाना है, खाने से लेकर रेंट तक और घूमने जाने से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक। अब आपके इनकम अकाउंट में बचते हैं 65,000 रुपए। मान लीजिए आप अपनी टोटल इनकम का 10% इन्वेस्टिंग में लगाते हैं, तो आप 1,00,000 का 10% यानी कि 10,000 रुपए अकाउंट नंबर 3 यानी कि इन्वेस्ट इट अकाउंट में डालेंगे और इसे बस इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करेंगे। लेटेस्ट बैंकिंग के फीचर ऑटो पे को भी हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, जो इंटरनेट बैंकिंग में अवेलेबल होता है। ये सब सिस्टम बनाने से आपका पूरा पैसा बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज होगा और पूरा मनी का सिस्टम ऑटो पायलट मोड में चला जाएगा। अपने पैसों को ऑटोमेट करने के बारे में डिटेल में हमने तो ऑटोमेटिक मिलियनेयर की बुक समरी में बात की हुई है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है। इस वीडियो को पूरा देख के आप जरूर उसे देखें। अपना पैसा इन्वेस्टेड अकाउंट और स्पेंडेड अकाउंट में डालने के बाद आपके इनकम अकाउंट में बच गए 55,000 रुपए। आपको अपने लिए एक इमरजेंसी फंड भी बनाना है, जो किसी भी मेडिकल या फाइनेंशियल क्राइसिस में आपके काम आएगा। उस अकाउंट में इतना पैसा तो होना ही चाहिए कि इमरजेंसी के टाइम पर 6 महीने तक आपका पूरा खर्चा चल सके इसी फंड से। अगर इमरजेंसी फंड में अमाउंट इससे कम है तो आप इन बचे हुए 55,000 रुपए को भी वहां डाल सकते हैं, और इमरजेंसी फंड का पैसा लिक्विड कैश के रूप में आपके पास हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए, जिससे आप जब चाहें जहां चाहें निकाल सकें और इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि इमरजेंसी तो कभी भी और कहीं भी हो सकती है। ये नहीं कि आपने इमरजेंसी फंड की FD करा रखी है, फिर तो फायदा ही क्या इमरजेंसी अकाउंट खोलने का। लेकिन इमरजेंसी फंड की FD कराने से वैसे नुकसान तो कुछ नहीं है। जब इमरजेंसी नहीं है तो FD से आपका इमरजेंसी फंड ग्रो करेगा, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पर आपको अपनी FD जरूर ब्रेक करनी पड़ेगी।
जिससे आप तुरंत अपना पैसा निकाल सकें। नेक्स्ट बिग एडवाइस जो ऑथर देती हैं वो है बिल्ड योर प्रोटेक्शन कवर। हम सभी के पास कोई ना कोई लाइफ कवर तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम सभी हैं तो इंसान ही, किसी की भी कभी भी अनटाइमली डेथ हो सकती है। और आपकी फैमिली अगर आप पर जरा सा भी डिपेंडेंट है तो इसका सबसे बुरा असर उन्हीं पर पड़ेगा। इसीलिए हम सभी के पास अनटाइमली डेथ के केस में कोई ना कोई लाइफ कवर जरूर होना चाहिए, जिससे किसी के जाने के बाद उनकी फैमिली को लोन पे करने के लिए या खर्चा चलाने के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। आप मार्केट में कोई भी लाइफ कवर ले सकते हो और उसकी कॉस्ट डिपेंड करती है आपकी एज पर। आपकी एज जितनी कम होगी लाइफ कवर उतना ही सस्ता पड़ेगा, और एज जितनी ज्यादा होगी आपको मंथली ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आपको 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए मंथली पे करने पर आसानी से 1 करोड़ रुपए तक का लाइफ कवर मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस पर्सन की अनटाइमली डेथ के केस में उसके नॉमिनीज यानी कि फैमिली को 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, और वही 1000 रुपए के आसपास का मंथली प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा ही मंथली प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। लाइफ कवर कभी भी खुद के फायदे के लिए नहीं होता कि पूरा होने के बाद मुझे इतना पैसा रिटर्न होगा, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट हमेशा आपकी फैमिली के लिए होता है कि गॉड फॉरबिड अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को उसका कितना फायदा मिलेगा। नेक्स्ट कवर जो आपके पास हमेशा होना चाहिए वो है हेल्थ कवर यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस। लेट्स फेस इट, किसी को भी कभी भी कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है हेल्थ रिलेटेड। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो ये बहुत ही महंगा पड़ सकता है। हमारे देश में सरकारी हॉस्पिटल्स में इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो अच्छा इलाज आपको प्रोवाइड करवा सके, और अगर किसी हॉस्पिटल में ये सुविधाएं हैं भी तो बिना कनेक्शंस के नंबर लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जाना लास्ट में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही पड़ता है, जहां इलाज कराते कराते जिंदगी भर की सेविंग्स बस 2 दिन में ही खर्च हो सकती है। एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए आपको ईयरली प्रीमियम पे करना पड़ता है, लेकिन ट्रस्ट मी ये हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने और वहाँ होने वाले खर्चों से कई गुना कम है। 10 से 15 हजार रुपए का ईयरली प्रीमियम पे करने पर आपको 10 से 15 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। यानी कि अगर जिसके नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस है उसके इलाज में 10 से 15 लाख भी खर्च हो गए तो ये अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ना कि आप। और आजकल तो कैशलेस भी ये चीज हो गई है, आपके पास बस एक कैशलेस कार्ड होना चाहिए एंड दैट्स इट। आपको अपनी जेब से कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस आज के जमाने में सबसे जरूरी चीजों में से एक है जो आपके पास होना ही चाहिए। इसके ना होने पर आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स और आपकी सारी सेविंग्स मिट्टी में मिल सकती है। अगर सेविंग्स को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं तो उन्हें क्लियर करने का बेस्ट तरीका है, अगर आप अपनी एज के हिसाब से सेविंग्स कर रहे हैं तो सेविंग वाले डिपार्टमेंट में आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 25 साल के हैं और आप अपनी इनकम का 25% से ज्यादा सेव कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और इससे भी ज्यादा सेव कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है। आप अर्ली रिटायरमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। ऐसे ही अगर आपकी उम्र 30 साल है तो एम करो कि आप अपनी इनकम का मिनिमम 30% तो सेव करो ही। ध्यान में रखना कि ये सेविंग्स आपको अपने इन्वेस्टमेंट से कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करनी, बस फालतू के अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड करके करनी है। फालतू खर्चों को मिनिमाइज करने की सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी हमने क्विट लाइक अ मिलियनेयर बुक में बताई हुई है, जिसे लिखा है क्रिस्टी शैन ने। उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप उसे जरूर चेकआउट कीजिए। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत होगी, इसकी सिंपल कैलकुलेशन और स्ट्रेटजी हमने फाइनेंशियल फ्रीडम की बुक समरी में बताई थी, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस बुक की राइटर मोनिका हमें एडवाइस देती है कि आप रिटायरमेंट के लिए टारगेट करो कि जब आप 40 साल के हो जाओ तो आपके रिटायरमेंट कॉर्पस में आपकी एनुअल इनकम का 3 गुना पैसा तो होना ही चाहिए। यानी कि 40 की उम्र में अगर आपकी एनुअल इनकम 50 लाख रुपए है तो आपके पास 45 लाख रुपए एज अ रिटायरमेंट कॉर्पस तो होना ही चाहिए, अपनी बाद की लाइफ को और भी सीमलेस और टेंशन फ्री बनाने के लिए। और ऐसे ही 50 की उम्र में आपके पास अपनी एनुअल इनकम का 6 गुना एज अ रिटायरमेंट कॉर्पस तो सेव होना ही चाहिए। सपोज 50 साल की उम्र में आपकी एनुअल इनकम अगर 20 लाख रुपए है तो आपके पास 20 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6 यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए तो होने ही चाहिए। और ऐसे ही 60 की उम्र में आपकी एनुअल इनकम का 8 गुना तो आपके पास सेव होना ही चाहिए। ऐसे ही अगर आपकी एनुअल इनकम कम है, सपोज 40 की उम्र में 8 लाख रुपए आपकी एनुअल इनकम है तो आपके पास एज अ रिटायरमेंट कॉर्पस 24 लाख रुपए तो सेव होने ही चाहिए। यही टारगेट लेकर आपको चलना है। ये रिटायरमेंट कॉर्पस बस आपके रिटायरमेंट के बाद की लाइफ के लिए है, आपके इन्वेस्टमेंट्स और खर्चों को हटा के। रिटायरमेंट के बाद मेक श्योर करें कि आप अपनी विल यानी कि वसीयत जरूर बनाएं। अभी ये सुनने में आपको बहुत फनी लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी ये एज भी इंसान की जिंदगी में जरूर आती है। आपको अपने करंट एसेट्स, बैंक डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, प्रॉपर्टीज, गोल्ड्स, ज्वेलरी, व्हीकल्स, एसेट्स क्रिएटेड ओवरसीज, बुक्स, आर्ट और जो कुछ भी आपके पास है सबका एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, ताकि अपने बच्चों में आप इसे बिना किसी डिस्प्यूट या विवाद के आसानी से अपनी मर्जी से बांट सको। आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड और अपनी ईमेल अकाउंट्स की डिटेल्स और सोशल मीडिया की डिटेल्स
एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड एक्सेल शीट में प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी। राइटिंग में अपने एसेट्स और प्रॉपर्टीज की लोकेशन पहले से रख के रखें। डिटेल सारे लिखने के बाद नोट डाउन करें कि आपके जाने के बाद किसको क्या क्या और कितना मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दो अपार्टमेंट्स हैं और दो बच्चे हैं, तो एक एक अपार्टमेंट दोनों बच्चों के नाम करने की बात आप राइटिंग में लिख कर रखें, ताकि कल के दिन कोई डिस्प्यूट ना हो। ध्यान में रखें कि अगर आप एक कपल हैं जो दोनों ही अर्न करते हैं और दोनों के पास अपने अपने एसेट्स हैं, तो दोनों ही अपनी अपनी अलग विल बनाएं। अब आपको एक एग्जीक्यूटर नियुक्त करना पड़ेगा जो मेक श्योर करेगा कि आपकी विल पूरी तरह से फॉलो हो रही हो, जैसे आपका कोई अच्छा दोस्त या फिर कोई लॉयर जो आपका बेनिफिशियरी ना हो, और इस विल को दो विटनेस से साइन करवा लें। राइटर्स और एग्जीक्यूटर्स दोनों ही आपसे यंग होने चाहिए, जिससे ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि आपके जाने के बाद वो अभी भी इस दुनिया में है। तो दोस्तों, ये थी समरी लेट्स टॉक मनी की, जो खास तौर पर हम इंडियंस के लिए है और आपको मनी मैनेजमेंट के सारे नुस्खे बताती है आपके रिटायरमेंट तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आपके चैनल न्यू एज ब्रेनियक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।